डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं कंपास सर्वेइंग। सर्वेइंग का ये कंपास सर्वेइंग चैप्टर है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रू बियरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है और डेक्लिनेशन क्या होता है, वो रिलेशन भी समझ जाएंगे प्लस कैसा भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, रिलेशन मैंने बता दिया ना, तो उसमें आप वैल्यू पुट करके आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, डेक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैं लेकर आता हूँ कि ताकि आपके लिए सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है वो एकदम आसान हो जाए, एकदम इजी लगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा कि ताकि आपको इससे रिलेटेड जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप जब भी कंपास का यूज करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अगर एक्चुअल होता है ना, ठीक है, एक्चुअल ये नॉर्थ नॉर्थ ही है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ध्यान देना, अगर मेरा जो नॉर्थ डायरेक्शन है और जो मेरा कंपास में बता रहा है वो दोनों सेम ही बता रहे हैं डायरेक्शन, तो ये ट्रू मेरिडियन होता है। ठीक है, और ट्रू मेरिडियन से जो भी लिया गया एंगल, जो भी लिया जाता है किसी भी लाइन का आप एंगल ले रहे हो, तो वो एंगल बताएगा आपका ट्रू बियरिंग एंगल। ठीक है, ट्रू बियरिंग एंगल बताएगा, ट्रू बियरिंग एंगल बताएगा, ध्यान देना। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण कोई अट्रैक्शन आया, कोई लोकल अट्रैक्शन आ गया, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण ये जो हमारा इसका नीडल होगा वो अट्रैक्ट हो जाता है, या तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, या तो ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा या तो ईस्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ध्यान देना, इसी से आपको फॉर्मूले समझ में आएगा। मान लो ये जो नॉर्थ था किसी कारण अट्रैक्ट होके यहां पर आ गया, ठीक है, ये अट्रैक्ट होके यहां पर आ गया। ठीक है, अब जब ये अट्रैक्ट होके यहां पर आ जाता है तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है, तब ये ट्रू बियरिंग नहीं बताएगा। ठीक है, ट्रू बियरिंग तो ये जिस तरफ मेरा नॉर्थ डायरेक्शन एक्चुअल है उसी तरफ कंपास का जो नीडल है उसी डायरेक्शन में जाता है, तब तो ये ट्रू मेरिडियन बताएगा, और इसके साथ जो भी मैं एंगल लूंगा वो ट्रू बियरिंग आएगा। लेकिन किसी कारणवश, किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अट्रैक्ट हो गया वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप एंगल तो इसके बेस पे ले रहे हो, इसके बेस पे ले रहे हो, ये रेफरेंस होगा और एंगल ले रहे हो, तो जो इसके साथ जो एंगल बताएगा वो क्या बताएगा, आपका मैग्नेटिक बियरिंग बताएगा। ध्यान देना, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस लेकर जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं कि जब भी हम कंपास सर्वेइंग करते हैं, जब सर्वे करते हैं तो जो भी रीडिंग मिलती है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रू बियरिंग के, मैक्सिमम होते हैं आपको मैग्नेटिक मेरिडियन ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होता है, कुछ ना कुछ तो एरर होता है जिसके कारण हम उसको मैग्नेटिक मेरिडियन ही बोलते हैं। बस डिसाइड करना होता है कि ये भाई ये इस तरफ डिक्लाइन हुआ है या इस तरफ डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो यहां पर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप समझ जाइए कि ऐसे अगर कॉन्सेप्ट दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये मैग्नेटिक इतना डिक्लाइन हो गया, ठीक है, इतना क्या हो गया था, डिक्लाइन हुआ था किस डायरेक्शन में, ये थीटा जो है ना वो डेक्लिनेशन बताता है, ये जो डेक्लिनेशन, ये थीटा डेक्लिनेशन बता रहा है, देखो इसमें वेस्ट में है, इसमें वेस्ट हुआ है। ठीक है, अब ये जो एंगल बताएगा, यहां से एंगल बताएगा, जैसे यहां पर देखो मैग्नेटिक बियरिंग वैल्यू जो दी है 186, तो ये यहां से 186 बताया है। ठीक है, 186 ये यहां से होते हुए देखो ये 4 है, अगर ये 4 है तो 4 से लेके ये देखो ये यहां से यहां तक अगर जाओगे तो 180 होगा, उसके बाद ये 6 तक, मतलब यहां पर तुम्हारा ये ए बी लाइन आ रही है, ए बी लाइन ये आ रही है। ठीक है, तो ये एंगल बताएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, ध्यान देना, मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो बता रहा हूँ इसका, अगर डेक्लिनेशन जो है ना, डेक्लिनेशन की बात करूं, वो अगर वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसका ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला देख लो, ट्रू बियरिंग। ठीक है, ट्रू बियरिंग क्या होगा देख लो, यहाँ पर ट्रू बियरिंग कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रू बियरिंग ये होगा,
लेकिन कैसे ये फायरॉइड होगा थ्रू बियरिंग, मैग्नेटिक में से डिक्लिनेशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ये थीटा, थीटा को मैं डिक्लिनेशन लिख देता हूं, या फिर ये डिक्लिनेशन है, ठीक है। कब, जब ये वेस्ट डायरेक्शन में होता है तब, ये फॉर्मूला ध्यान देना, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा, और थीटा कब वेस्ट में हो तब, ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ध्यान देना ये वेस्ट में होगा तभी, ठीक है। वही अगर मान लो ये मैं ये इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, अभी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि डेक्लिनेशन कोई जरूरी नहीं कि वेस्ट में ही हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वेस्ट में ही हो। मान लो डेक्लिनेशन आपका जो था वो इस डायरेक्शन में, इतना डेक्लिनेशन हो गया, ठीक है, यहां पर आ गया, मतलब उसकी मैग्नेटिक मेरिडियन यहां पर आ गई। अब जो एंगल लोगे 186 अगर मान लो लेते, ठीक है, तो 186 मान लो यहाँ पर कहीं पे आता है, ये एबी लाइन होता, ठीक है, तो ये उसका मैग्नेटिक बियरिंग होता, तो ट्रू बियरिंग क्या होता, ये अगर ट्रू बियरिंग लेते तो यहां से यहां तक बताता ना, ट्रू बियरिंग लेते तो यहां से यहां तक बताता, मतलब उसका डेक्लिनेशन और मेरिडियन, ये मैग्नेटिक बियरिंग, ये दोनों को एड करोगे तब ट्रू बियरिंग आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ करके, यहां पर लिख देता हूं इफ डेक्लिनेशन, यहाँ पे इफ डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन ईस्ट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो सिंपल सा ट्रू बियरिंग क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। देखो यहां से चाहिए ना, ये मुझे चाहिए ना, तो ये क्या होगा, ये प्लस ये थीटा, तो क्या होगा मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा, और थीटा की ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो ये फॉर्मूले आप यूज करोगे तो कैसे भी प्रॉब्लम आ जाएंगे ना, आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। देखिए इसमें भी बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्या होगा ना, ये जो मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू जो दी हुई है ना, इसको रिड्यूस बियरिंग में दे देगा, बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है, इसको क्या दे देगा, आरबी में वैल्यू दे देगा। अब आरबी में वैल्यू दिया है तो आरबी से अगर इसको सॉल्व करने जाओगे ना, आरबी की वैल्यू अगर पुट करोगे तब मिस्टेक करोगे, बहुत गलती आती है, ठीक है, तो गलती ना हो इसलिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। सिंपल सा है, यहाँ पर डेक्लिनेशन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 4 डिग्री दिया है, ठीक है, 4 डिग्री पता चल गया, और उसकी मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया, 186, ध्यान देना इसमें आरबी हो तो फिर बाद में अलग तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो मैं अभी इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। सिंपल सा ट्रू बियरिंग चाहिए ना, तो ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या होगा, ये किसमें है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा, मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है 186 डिग्री, और माइनस 4 डिग्री सेल्सियस कितना, 184 डिग्री आ गया, सॉरी 4 माइनस के तो 182 डिग्री आपका आ गया ट्रू बियरिंग। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करोगे आपको आसानी से फाइंड आउट होके आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ इसमें कमाल मैंने ये किया है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान तरीका मैं लेकर आया हूं ताकि आपको ट्रू मेरिडियन समझ में आ जाए, मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ जाए। मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस लेके जो एंगल आता है वो मैग्नेटिक बियरिंग होता है, ट्रू बियरिंग से जो रेफरेंस लेके जो एंगल आता है वो ट्रू बियरिंग होता है। तो कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ कि कुछ और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक और ऐसे क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा है वही, ठीक है, इसमें भी वही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे एंगल कितना दे दिया, एंगल दिया है 279 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल है ना ये 7 डिग्री दे दिया, 7 डिग्री, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, ये सेम क्वेश्चन है ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करने के लिए, और ये 279 डिग्री बोल दिया है और ये 7 डिग्री वेस्ट ही है, क्या करेंगे इसका ट्रू बियरिंग के लिए, इसके ट्रू बियरिंग के लिए सिंपल सा मैग्नेटिक बियरिंग और वेस्ट है तो थीटा माइनस ही होगा, ठीक है, थीटा माइनस ही होगा, कितना आ गया 279 डिग्री माइनस 7 डिग्री कितना आ गया 272 डिग्री आ गया, कितना आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे मैंने जो बोल रहा था एक और इसमें क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन मैं लिखकर आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए रिड्यूस बियरिंग में दिया है तो क्या करोगे, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर रिड्यूस बियरिंग में सॉल्व कर देते हो ना तो बहुत मिस्टेक कर दोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो सारे मिस्टेक ना हो इसीलिए एक ही वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है ना द मैग्नेटिक
बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज एस 42 डिग्री ईस्ट, ये दिया हुआ है ठीक है, एंड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन दिया है कितना इज 7 डिग्री 10 मिनट ईस्ट दिया है, देखो 7 डिग्री 10 मिनट ईस्ट दिया है, कैलकुलेट ट्रू बियरिंग ठीक है, कैलकुलेट ट्रू बियरिंग को फाइंड आउट करना है ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जो मैंने पढ़ाया है ना, उस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट में इसका डेक्लिनेशन है, ईस्ट में डेक्लिनेशन कितना है, ये थीटा आपका दिया है 7 डिग्री 10 मिनट, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया ठीक है। ये आपको पता चल रहा है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है ठीक है, इतना आ गया। अब यहां से जो ये एंगल है ना, ये एंगल एस 42 डिग्री ईस्ट है, अगर मान लो आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रहे हो, देखो बहुत कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन आपको दिखा रहा हूं, आप क्या करते हैं एस 42 डिग्री, देखो एस के साथ ये 42 डिग्री ईस्ट में ये लगा दिए, सॉरी ईस्ट में ना, यहाँ पे ईस्ट में, ईस्ट में है तो यहाँ पर ईस्ट के साथ ये एंगल बताते 42 डिग्री, ये बता देते क्या है ये ए बी, ये बता देते, ये बताते ना, और ये बताते तो फिर बाद में आपको ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करना होता तो क्या करते हैं, यहां से ये जो एंगल है ये आप प्लस थीटा कर देते ईस्ट में है तो, यही करते ना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, आप देखो कहां मिस्टेक होता है, आप क्या करते हैं ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू करते ना, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक कहां पर होगी, वो चीजें मैं यहां पर कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से पता चल सके ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू ये दी हुई है ना, ये देखो मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है ठीक है, अब ये जो नॉर्थ ये है ना, ये नॉर्थ, वो ये नॉर्थ यहां नहीं है, ये नॉर्थ यहां है, यहां नॉर्थ है, तो अब देखो ये नॉर्थ के हिसाब से जितना डेक्लिनेशन हुआ ना, उतना डेक्लिनेशन इसका भी इधर होगा, साउथ यहां पे आ जाएगा ठीक है, अब ये 42 डिग्री यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए ये मिस्टेक न हो तो ये पॉइंट को भी हम ध्यान में रखेंगे ठीक है। अब इसको वैल्यू को कैसे करोगे, तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर समझा देता हूं ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पर समझा देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना, क्योंकि वो सारी मगजमारी करने जाओगे तो आपकी मिस्टेक होगी, सिंपल सा ये वैल्यू को क्या कर देना है आपको, ये जो वैल्यू दी हुई है इन वैल्यू को आपने चेंज करना है डब्ल्यूसीबी में ठीक है। डब्ल्यूसीबी में पहले ही चेंज कर दू, आपकी जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन कितना दिया है एस 42 डिग्री ईस्ट, इसको डब्ल्यूसीबी में चेंज करना है तो क्या होगा, आपको पता ही है कि ये अगर एस है ये 42 डिग्री है, 42 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको 180 में से माइनस कर दू, तो 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री कितना आ जा रहा है, माइनस करो, अब मैं आपको माइनस करके भी दिखा देता हूं, सिंपल सा क्या है 180 ठीक है, माइनस सिंपल सा 42, सिंपल सा 138 आ जाता है ठीक है, अब ऐसे भी माइनस कर सकते हैं 138 डिग्री आ गया ठीक है। अब ये तुम्हारा डब्ल्यूसीबी में है, डब्ल्यूसीबी में है तो कोई टेंशन नहीं है, डब्ल्यूसीबी में फाइंड आउट कर लो, उसके बाद सॉल्व करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला वही ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा, प्लस क्यों नहीं होती है क्योंकि ईस्ट में तो प्लस थीटा ठीक है, और वेस्ट में तो माइनस, कितना है 138 डिग्री ठीक है, 138 डिग्री और 138 डिग्री, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस कर देंगे 7 डिग्री 10 मिनट, 10 7 ऐड करेंगे तो 7 8 15 मतलब 145 डिग्री 10 मिनट आ जाएगा ठीक है। ये ट्रू बियरिंग की वैल्यू है ठीक है। अगर बोल दिया हो कि आप ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करो बट मुझे क्या चाहिए, ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करो बट आरबी में चाहिए, तो आरबी में कन्वर्ट कर लो इसको, आपकी वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए, अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो आप मेरे अबाउट चैनल के अबाउट में जाइए, वहां पर मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें ठीक है, और
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।